टेंटेबली केस मे बी लिस्टेड ऑन, लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 18/9/2023। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई किया है और उनके सहारा रिफंड पोर्टल CRCS के तरफ से एक्सेप्टेड का मैसेज आया है, क्लेम प्रोसेस्ड का मैसेज आया है, तो यही वो डेट है 18/9/2023। उससे पहले जो 5,000 करोड़ रुपये है उससे पहले उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब बांटना है लोगों में, जो सहारा के जमा करता है उनको बांट देना है। तो 18/9/2023 ये आप देख रहे हैं जो स्क्रीनशॉट में हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसका जो स्क्रीनशॉट है ये दिखा रहे हैं हम आपको, और इसके बाद दिखाएंगे जो ऑर्डर आया था, जो उस वक्त ऑर्डर मार्च में ऑर्डर दिया गया था उसका भी कॉपी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे कि क्या उसमें लिखा हुआ था। तो नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं सतरंगी लाइव। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, वीडियो को लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को जानकारी हो सके, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अगर आप सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई किया है और अप्लाई किए हुए 45 दिनों से ऊपर हो गया है और आपके मैसेज में बीच में जो मैसेज आए थे डिफेंसियसिस का, वे मैसेज छोड़कर फिर जो मैसेज आए होंगे आपके पास क्लेम प्रोसेस्ड या एक्सेप्ट, और अभी तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो आप खुश हो जाइए, चाहे इंतजार कीजिए 18 से पहले, यानी कि आज 16 तारीख हो गया 16 सितंबर और कल 17 सितंबर, हो सके कल तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पहले मेरा तो मैसेज डिफरेंसिएशन का आ गया था, फिर उसके बाद क्लेम प्रोसेसिंग का आया था, प्रोसेसिंग में गया था, फिर उसके बाद मैंने 10 बॉन्ड भरा उसमें एक या दो का जो है वे क्लेम प्रोसेस्ड में गया था, क्लेम प्रोसेस्ड का मैसेज अभी तक दिख रहा है। तो यहाँ इस वीडियो में हम आपको बता दें कि सरकार प्रथम किस्त में आपको दे रही है मात्र 10,000 रुपये। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कि मैंने 10 बॉन्ड और पासबुक मिला के, पासबुक और बॉन्ड मिला के 10 आवेदन किए, 10 बॉन्ड या पासबुक का किए, अब उसमें से एक या दो का भी जो क्लेम प्रोसेस्ड हो गया या एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर मेरा जमा राशि डिपॉजिट राशि 10,000 से ऊपर होगा, यानी 10,000 के लगभग हो या 10,000 हो या 10,000 से ऊपर हो, तो हमें पैसे आएंगे, क्योंकि अगर 10 आवेदन किए हैं, 10 बॉन्ड भरे हैं हमने, तो वहां पे क्या होगा कि 10 में से दो ही में, दोनों को मिलाने के बाद अगर हमारा दावा सही है, दो का दावा सही है, तो आपको पैसे 18/9/2023 से पहले आ जाएंगे। तो ये जो आप लेटर देख रहे हैं, ये लेटर है सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो कि 29 मार्च 2023 को दिया गया था, जो पीनक पानी मोहंती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया लिखा हुआ आप देख सकते हैं। पीनक पानी मोहंती जी जो कि सहारा के जमाकर्ताओं के पक्ष के और सहारा समूह के अंगेंस्ट उन्होंने एक केस फाइल किया था, उसके बाद ये जजमेंट आया था, और ये जजमेंट आया 29 मार्च 2023। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको नेट से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं कि क्या आदेश और क्या जजमेंट आया था उस वक्त, आदेश आया था। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इसका डेट कब तक है जो आदेश दिया गया था 5,000। समरी देखिए, सुप्रीम कोर्ट अलाउड डिस्बर्सल ऑफ ₹5,000 करोड़ फ्रॉम सेबी सहारा फंड डिपोजिटर, यानी कि सेबी सहारा का जो अकाउंट है उसके से 5,000 करोड़ रिलीज करके कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया था कि आप सहारा के जो जमाकर्ता है उनको आप पैसे को वापस कीजिए। तो उसका डेट है, अभी तक जिनका 45 दिन से ऊपर हो गया है और मैसेज आया है, तो वे संभावना है कि कल तक जो जो जितना 5,000 जब खत्म हो जाएंगे तो हो सके कि आपके अकाउंट में नहीं आए, लेकिन 5,000 रुपया खत्म करने के बाद तुरंत जाना है। कल 18 तारीख को फिर से सुनवाई है इस मैटर पे, सुनवाई है, तो सरकार चाहेगी कि मैं अपना वहां जो पेश करे कि हमने पैसे लोगों को बांट दिए हैं। तो ये लेटर दिखाने के पीछे का मकसद यही है, आप पढ़िए इस लेटर को।
और इससे नीचे जो है, नीचे जो मेन लेटर में लिखा गया है वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, जो दिखाएंगे कि वो एक क्या है। तो इस तरह से लेटर जो दिया गया 29 मार्च 2023 को लेटर आया था जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, तो ये चीज़ जो यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ 24,900 इतना करोड़ लेइंग इन द सहारा से भी रिफंड अमाउंट ₹5,000 करोड़ भी ट्रांसफर टू द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ₹5,000 जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिलीज किया गया था सहारा से भी अकाउंट से, तो उस अकाउंट में उसको जो रिलीज किया गया उसका लोगों में दिया गया, सहारा के जमाकर्ताओं में दिया गया या नहीं। और नीचे देखिए फोर्थ लाइन में जो फोर्थ नंबर है उसमें देखिए, वी डायरेक्ट दैट द अमाउंट बी पेड टू द रिस्पेक्टिव जेन्युइन डिपॉजिटर्स ऑफ द सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आउट ऑफ द एफोर्सेड अमाउंट ऑफ ₹5,000 करोड़ एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटेस्ट देन 9 मंथ फ्रॉम टूडे, यानी जिस दिन ये आदेश दिया गया, द बैलेंस अमाउंट देयर आफ्टर बी अंगेज ट्रांसफर टू द सहारा से बी रिफंड अकाउंट। ये पढ़िएगा, 9 मंथ के टाइम जो दिया गया, तो यही मेन है। और 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस पर सुनवाई है, तो इंतजार करें 18 सितंबर 2023 का, उस दिन क्या निकल के आता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया है, बहुत लोगों का अप्लाई स्वीकार भी किया गया है, बहुत लोगों को एक्सेप्ट कर लिया गया है, बहुत लोगों को ये मैसेज आया कि क्लेम प्रोसेस्ड, यानी कि आपका क्लेम स्वीकार के अंतिम चरण पे है, यानी प्रोसेस्ड कर दिया गया, और किन्हीं लोगों का प्रोसेसिंग मैटर आ रहा है। तो आपको बता दें कि अगर 10 फॉर्म भरे हैं आप, 10 गो एप्लीकेशन है, उसमें से एक भी अगर जो 10,000 से ऊपर का है अगर वो एक्सेप्ट हो गया है या क्लेम प्रोसेस्ड हो गया है, तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। हाँ, ये शर्त हो सकता है कि अगर जब पैसे दिए जाएं उस वक्त, जो पहले जो जिनका अप्लाई हुआ है उनको देने के बाद अगर पैसे नहीं बचेंगे तो शायद आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। तो इस वीडियो बनाने के मकसद है कि कल इंतज़ार कीजिए, कल वो समय है जब सरकार जाने से पहले वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो अगर सुनवाई होने से पहले चाहेगी सरकार की पैसे को हम लोगों के बीच बांट दे, प्रोसेस पूरा हो ही चुका है, तो देने के बाद जाएगी कि हाँ फिर से दूसरा पैसा जो है हम ले सके, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि मैंने इतना कर दिया, और दूसरे पैसे हैं सेकेंड लॉट के पैसे हैं उसको आप रिलीज करें और लोगों में हम बांटें। तो 18 तारीख पर महत्वपूर्ण डेट है, इम्पोर्टेंट डेट है, उस दिन हम और आप इंतजार करें कि क्या निर्णय आता है, क्या होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।